तो दोस्तों सरसों निकालने का काम चालू हो गया है और सरसों की कटाई लगभग 8 से 10 दिन हो गए थे इसको कटे हुए। सरसों पूरी तरह से सूख गई है अच्छे से। और थ्रेसर की बात करें दोस्तों, थ्रेसर इसमें SNG कंपनी का है। और ट्रैक्टर की बात करें, ट्रैक्टर इसमें 475 DI है महिंद्रा का भूमिपुत्र। और सरसों कितनी सफाई से निकल रही है पास में चल कर देखेंगे, क्योंकि अभी क्या ट्रैक्टर की आवाज़ से मेरी आवाज़ नहीं आएगी, तो अपन बस पास में चल कर देख लेते हैं कि कितनी सफाई से सरसों निकल रही है और कितना इसमें कचरा आ रहा है। दोस्तों ये अभी 10 की रेस पे चल रहा है थ्रेसर। दोस्तों इसमें लगभग अपने को अगर स्पीड में सरसों निकालनी है तो सरसों के लिए अपने को कम से कम 8 से 10 जने की आवश्यकता होती है। 8 से 10 मजदूर इसमें चाहिए होते हैं अपने को, जो कि थ्रेसर को अच्छे से चला सकें। और दोस्तों अपन बात करें तो लगभग 1 बीघा जो कि होता है 1 से 1.5 बीघा 1 घंटे में इस मशीन में निकल जाता है 10 की रेस पे अपन अगर रखें तो। और इस तरह से आप देख लें कि मजदूर इसमें अभी इस साइड में 3 लगे हुए हैं और पीछे से जो बिखरी हुई पड़ी है, मतलब ऐसे काट के छोड़ रखी है, उसको लेके लाने के लिए कम से कम 5 से 7 मजदूर और लगे हुए हैं इसमें। तो लगभग 8 से 10 मजदूर इसमें चाहिए होते हैं। और सरसों भी मतलब अच्छी निकल रही है, इसमें पंखा ऊपर नीचे सेट करके कम्प्लीट, ज़्यादा कचरा इसमें नहीं आता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और आपके इधर कौन सा थ्रेसर चलता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।